राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि हम हरियाणा में इंडिया गठबंधन के अन्य पार्टनर्स जिसमें कि सीपीएम है, आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, इनके साथ साझेदारी क्यों नहीं कर रहे। एक तरफ शरद पवार की पहल और समझदारी और रणनीति और दूसरी तरफ हरियाणा में इंडिया गठबंधन के स्पिरिट को पुनर्जीवित कर देने का जो दोनों नेताओं ने, इधर राहुल गांधी ने उत्तर भारत में, उधर दक्षिण पश्चिम भारत में महाराष्ट्र की तरफ शरद पवार ने जो कमाल किया है, इससे इंडिया गठबंधन के वोटर उत्साहित हैं, उन्हें उम्मीद जगी है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश और इस वक्त हम बातचीत करने जा रहे हैं हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में आए हुए ताजा तरीन बदलाव पर। हरियाणा चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा उत्साहजनक खबर इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए नेताओं, उनके वोटरों, उनके समर्थकों के लिए, और यह संभव इसलिए हो पाया है क्योंकि कल सीईसी की बैठक, जो कि सर्वोच्च कांग्रेस की बॉडी है, उस बैठक में राहुल गांधी ने एक सवाल पूछा। वह सवाल इतना बड़ा और तगड़ा था कि जिस गठबंधन के बारे में अभी तक कोई उम्मीद नहीं की जा रही थी, वह उम्मीद अब दिखाई देने लगी है और माना जा रहा है कि 5 से 10 सीटों के भीतर आम आदमी पार्टी के साथ एक बड़ा समझौता हरियाणा में कांग्रेस करने जा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी और सीपीएम को भी एक एक सीट दिए जाने की बात चर्चा में आई है। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी की ही पहल सही, कांग्रेस की ही पहल सही, लेकिन इंडिया गठबंधन की स्पिरिट को इस बार मरने नहीं दिया गया है और वह भूल नहीं की गई है जो पिछले विधानसभा चुनावों में खासकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किया गया था। आप लोग याद करिए, आप लोगों को याद आ गया होगा कि इंडिया गठबंधन ने वह कौन सी गलतियां की थी जिसकी वजह से मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ का चुनाव बिल्कुल यूटर्न पर चला गया। राजस्थान तो बिल्कुल जीतते जीतते कांग्रेस हार गई, सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन की स्पिरिट को आत्मसात नहीं करने की वजह से। अगर इंडिया गठबंधन की स्पिरिट को जिस तरह इस बार राहुल गांधी ने हस्तक्षेप करके हरियाणा में जो असर दिखाया है कि नहीं साहब, अकेले नहीं चुनाव लड़ेंगे, एक एक वोट महत्वपूर्ण है, एक एक विधानसभा और उसके बूथ पर पड़ने वाला वोट महत्वपूर्ण है, अन्यथा सांप्रदायिक तानाशाह ताकते फिर से एक बार यू टर्न लेने के लिए उनके लिए एक सुविधाजनक रास्ता बने, और ये एक अच्छी पहल है। असल में कल सीईसी की एक बैठक थी, केंद्रीय कार्य समिति की कांग्रेस की। उस बैठक में राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि हम हरियाणा में इंडिया गठबंधन के अन्य पार्टनर्स जिसमें कि सीपीएम है, आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, इनके साथ साझेदारी क्यों नहीं कर रहे। हालांकि कोई स्टेक नहीं है समाजवादी पार्टी का, फिर भी स्पिरिट के तौर पर, इसलिए दोस्तों यह स्पिरिट याद रखने की बहुत जरूरत है कि इंडिया गठबंधन की स्पिरिट, और यही इंडिया गठबंधन की स्पिरिट है जो लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी, जो कि ज्यादातर चुनावी सर्वेक्षणों में, यहां तक कि एग्जिट पोल में 320 से 360 सीटों के बीच जीत कराने की संभावना जताई जा रही थी, उनकी पार्टी बमुश्किल 240 पर आई और गठबंधन के बाद भी 280 का आंकड़ा नहीं पार कर पाई। इसलिए यह स्पिरिट बहुत महत्वपूर्ण थी और इसी स्पिरिट को दिखाई दिया राहुल गांधी के कल वाले बयान में, जब उन्होंने अपने नेताओं से, खासकर हुड्डा की उपस्थिति में, जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनकी उपस्थिति में यह सवाल पूछा कि हम दूसरे दलों की साझेदारी में चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे। तो इस खबर के बाद कम से कम इंडिया गठबंधन के समर्थन में खड़ी जनता, जिसको कि न चाहते हुए भी मजबूरी में वोट बंटता कोई नहीं, अभी कम से कम हरियाणा में जिस तरह का एक माहौल है, किसान आंदोलन के बाद से, खिलाड़ियों के आंदोलन के बाद से, ये
सेना के जवानों की जो भर्ती है अग्निवीर की, उसके बाद से और हरियाणा अपने सर्वोच्च बेरोजगारी के दौर से गुजर रहा है, इन सारी वजहों से कोई भी समर्थक, चाहे आम आदमी पार्टी का हो या कम्युनिस्ट पार्टी का हो या समाजवादी पार्टी का हो या फिर दूसरे सहयोगी दलों का हो, वह बिल्कुल नहीं चाहता है कि एक वोट भी अपना वह खराब करे। और कम से कम राहुल गांधी की इस पहल के बाद यह रास्ता साफ हो गया है। इस रास्ते को साफ करने में बड़ी जो भूमिका निभाई है वह संजय सिंह ने निभाई है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है कि हम सांप्रदायिक और तानाशाह ताकतों के खिलाफ हर एक कीमत पर न्यूनतम आधार पर एकता करने को तैयार है। इससे यह स्थिति साफ हो गई है। यहां तक कि राज्यसभा से आने वाले आम आदमी पार्टी के मजबूत सांसद माने जाने वाले सुशील गुप्ता ने भी इस पर हामी भरी और कहा कि अगर संजय सिंह यानी हाई कमान की तरफ से कोई बात कही जा रही है तो जाहिर तौर पर उसमें कोई दम होगा। यानी आम आदमी पार्टी की तरफ से भी चीजें साफ हो गई हैं, इधर कांग्रेस की तरफ से भी साफ हो गई हैं। असल में रोड़ा कहां अटकता है? अगर यह आवाज कार्यकर्ताओं की तरफ से आती है और हाईकमान चुप रहता है तब रोड़ा अटकता है, लेकिन अभी कम से कम हरियाणा में सभी दलों की एकता, इंडिया गठबंधन की एकता में कोई रोड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि सभी आवाजें हाईकमान से आ रही हैं या फिर कांग्रेस के राहुल गांधी की ओर से आ रही है या फिर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह की तरफ से आ रही है। तो इस तरह से जो एक नया फिनोमेना बना हरियाणा में, जिसकी अभी तक उम्मीद नहीं थी। इसीलिए कहते हैं कि समझदार नेता सही समय पर अगर पहल ले लेता है तो चुनाव की रणनीति और चुनाव के परिणाम में बहुत फर्क आ जाता है। कल तक जो स्थितियां आपस में गुटबाजी की वजह से देखी जा रही थी, अब यह स्थिति मजबूती में बदल जाएगी। हरियाणा में सुरजेवाला गुट, भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट और तीसरा शैलजा गुट, इन सभी गुटों की चर्चा थी। इसकी वजह से होता यह है कि फिर आम आदमी की जो समर्थक जनता है उसको ये लगेगा कि आम आदमी पार्टी को ही वोट दे दें, बजाय कि इधर आपस में जो धींगा मुस्ती चल रही है उससे क्या होगा, एक एक सीटें मजबूत करने की जरूरत है। 90 लोक विधानसभाएं हैं, 90 विधानसभाओं में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि हम 55 सीटों पर जीत रहे हैं। खुदा न खास्ता न जीत पाए तो जाहिर तौर पर यह जो हराने वाली सीटें होंगी वह आपको नजर आएंगी और इसका उदाहरण मध्य प्रदेश में देखा जा सकता है। मध्य प्रदेश में कहां कितनी सीटें जीतने वाले थे, मध्य प्रदेश एकदम साफ तौर पर कांग्रेस के सारे विश्लेषक जीता रहे थे। छत्तीसगढ़ तो दम ठोक के जीत रहे थे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वहां भूपेंद्र बघेल साहब, लेकिन न राजस्थान जीते न मध्य प्रदेश जीते, गहलोत भी हार गए, इधर कमलनाथ का जो दांव लगा था वो भी खत्म हो गया और भूपेंद्र बघेल भी हार गए, सिर्फ रणनीतिगत गलती की वजह से। और वो रणनीतिगत गलती थी कि जो इंडिया गठबंधन के साझेदार पार्टनर हैं उनको साझेदारी नहीं दी गई। और यही राहुल गांधी अलग दिखाई देते हैं जब वह पार्टनरशिप पर भरोसा करते हैं। उनका ये कहना है कि चाहे आप जितने बड़े दल हो, पार्टनरशिप का भरोसा हो सकता है थोड़ा बहुत इन्होंने बीजेपी से भी सीखा हो, क्योंकि बीजेपी की एक खासियत है कि अपनी एक एक दो दो सीटें देकर अपने लिए जो वह अलग अलग बिखरे हुए वोटों को एकत्रित करती है उससे एक मजबूत गठबंधन बनाती है। यह प्रयोग कांग्रेस में कम रहा है, अब राहुल गांधी ने इसमें अपनी पहल दिखाई है। इससे हरियाणा में यह बदलाव आपको साफ तौर पर दिखाई देगा। अगले एक दो दिनों में जो घोषणाएं होंगी उसमें उम्मीद की जा रही है 5 से 10 सीटों के बीच आम आदमी पार्टी को और एक एक सीटें सीपीएम और सपा को कांग्रेस दे सकती। अगर कोई अन्य दल भी उभर कर आते हैं, किसी एक सीट पर भी ताकत है तो उसको भी एडजस्ट करने की कोशिश कांग्रेस करेगी। दूसरी तरफ हम आपको महाराष्ट्र की खबर बताएं। महाराष्ट्र में कमाल की बात यह हो रही है कि चचा भतीजे के झगड़े के बीच न सिर्फ दल टूट गए बल्कि दलीय स्थिति बदल गई और बैठे बिठाए सरकार बदल गई। लेकिन फिर से चचा के प्रति प्रेम भतीजे को उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाजपा के भीतर के लोग और भाजपा के नेता और विधायक कहने लगे हैं कि अब अजीत पवार की कोई जरूरत नहीं है। तो जाहिर तौर पर वापस
चचा की गोद में आएंगे अजीत पवार और इसकी स्थितियां दिखाई देने लगी हैं और आने वाले आपको कुछ ही दिनों में, एक दो दिनों में, चार दिनों में उसका असर कल भी दिखाई दे सकता है कि अजीत पवार साझेदारी की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे शरद पवार के साथ। और जैसे ही महाविकास अघाड़ी की तरफ अजीत पवार आते हैं उसके बाद से पूरा सिनेरियो महाराष्ट्र चुनाव में किसी लेकिन की तरफ नहीं बढ़ेगा। आप याद करिए, सिर्फ 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़े हैं इस बार एनसीपी के शरद पवार के नेतृत्व में और 8 सीटें जीत कर आए। 80% स्ट्राइक रेट जिस पार्टी का होगा, जाहिर तौर पर उसकी एक छवि है, उसकी एक एक्सेप्टेंसी है जो राज्य में दिखाई दे रही है। तो यह दोनों महाराष्ट्र में भी और हरियाणा में भी, एक तरफ शरद पवार की पहल और समझदारी और रणनीति और दूसरी तरफ हरियाणा में इंडिया गठबंधन के स्पिरिट को पुनर्जीवित कर देने का जो दोनों नेताओं ने, इधर राहुल गांधी ने उत्तर भारत में, उधर दक्षिण पश्चिम भारत में महाराष्ट्र की तरफ शरद पवार ने जो कमाल किया है, इससे इंडिया गठबंधन के वोटर उत्साहित हैं, उन्हें उम्मीद जगी है। और यह भी अच्छी बात हुई है कि लोकतंत्र में बड़ी पार्टियां छोटी पार्टियों के साझेदारी में चलती हैं, यही लोकतांत्रिक मूल्य भी है। तो भले ही समाजवादी पार्टी का बहुत तगड़ा स्टेक न हो हरियाणा में, लेकिन अगर उसके एक दो कैंडिडेट भी जीतने की स्थिति में हैं तो उनकी भागीदारी साझेदारी होनी चाहिए। सीपीएम लगातार वहां वर्षों से संघर्ष करती रही है, चाहे महिला आंदोलन हो उसके समर्थन में, छात्रों के आंदोलन में, किसानों के आंदोलन में, मजदूरों के सवाल पर। सीपीएम कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी नाम है उसका, वह पार्टी का अपना एक हरियाणा में योगदान है, तो जाहिर तौर पर उसके लिए भी स्पेस बनाना चाहिए, उस स्पेस को जगह दी जानी चाहिए। इस तरह से जब एक गठबंधन तैयार होगा तब उस पिरामिड जो बनेगा, उस पिरामिड पर सभी की भागीदारी होगी और उसकी नींव में भी सभी पार्टियों की भागीदारी होगी, जिससे एक वाकई एक सही लोकतंत्र की तरफ यह चुनावी पार्टियां बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन के वोटर खुश होंगे। चुनौती बीजेपी के लिए है, वह देखना होगा कि अब उसकी क्या रणनीति होती है। इसीलिए अब तक सभी जगहों पर सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है, न कैंडिडेट घोषित हो पाए हैं, जबकि पर्चा दाखिला का समय शुरू हो रहा है। 5 तारीख से पर्चा दाखिला शुरू हो जाएगा। अब वक्त बहुत कम है, 60-गांठ यानी समझौता करना भी एक टेढ़ा काम होगा, लेकिन अगर हाईकमान ऊपर से सही निगाह रखे और सही कैंडिडेट को चुने तो इतना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि जनता फिलहाल इंडिया गठबंधन के पक्ष में है, क्योंकि 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी भी हरियाणा में है जो साफ तौर पर देखी जा सकती है, महिला आंदोलन में, किसान आंदोलन में, बेरोजगारी के आंदोलन में और अग्निवीर के सवाल पर। तो जाहिर तौर पर दोस्तों यह एक अच्छी बात है कि राहुल गांधी और उधर शरद पवार ने जो नया रणनीतिगत रास्ता निकाला है, यह आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के दोनों ही राज्यों में न सिर्फ अगले चुनावों की तस्वीर बदल देगा बल्कि भारतीय राजनीति में लोकतंत्र की परिभाषाओं को भी मजबूत करेगा। शुक्रिया आप सबका सुनने के लिए, धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जन सहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जन सहयोग में शामिल हो और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाभियान में शामिल हो। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जन ज्वार, जनता की मीडिया।